जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इटली की जो गवर्नमेंट है लगभग 1.5 लाख फ्री वीज़ा शुरू करने वाली है, और ये सभी वीज़ा जो है आप लोगों को भाई बिल्कुल फ्री मिले हैं। आपको किसी एजेंट की हेल्प लेने की भाई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको फ्री में वीज़ा देगी इटली गवर्नमेंट। और इस वीज़ा के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो 14 मार्च को, यानी 14 मार्च से जो है इन सभी वीज़ाज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई 1.5 लाख लोगों के लिए, ठीक है, 1.5 लाख लोगों के लिए इटली गवर्नमेंट ये वीज़ा इशू कर रही है, यानी 1.5 लाख लोगों की इटालियन गवर्नमेंट को ज़रूरत है। 1.5 लाख लोगों की दोस्तों बहुत बड़ी क्वांटिटी में इटालियन गवर्नमेंट को वर्कर चाहिए, और इतने सारे वीज़ाज़ को जो है फ्री देने का जो मेन रीज़न है इटालियन गवर्नमेंट का वो यही है, और इसलिए है कि इटली में जो है अभी वर्कर्स की शॉर्टेज है, और इटालियन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई वहाँ पर वर्कर्स आए काम करें। और ये जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ भाई, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये सुनकर नहीं बोल रहा हूँ, ये जो न्यूज़ है ये एक काफ़ी बड़े न्यूज़ अखबार में पब्लिश हुए हैं, और जिस न्यूज़ अखबार का नाम जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये जो न्यूज़ अखबार है ये है नव भारत टाइम्स। दोस्तों नव भारत टाइम्स यानी NBT, ठीक है, उस न्यूज़ अखबार में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है कि इटली की गवर्नमेंट जो है लगभग 1.5 लाख फ्री वीज़ा शुरू कर रही है, और इन वीज़ाज़ के लिए आप 14 मार्च अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ 10 दिन के बाद आप इन वीज़ा को अप्लाई करके इटली जा सकते हो। 3-4 लाख रुपये, 2 लाख रुपये पर मंथ आराम से आप कमा सकते हो। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इटली के वीज़ा के बारे में बताना चाहता हूँ कि इटली का कौन सा वीज़ा आपको गवर्नमेंट देती है जिसके अंदर आप लोग वहाँ पर जाकर काम कर सकते हो। तो दोस्तों, इटली की जो गवर्नमेंट है 2 टाइप के वीज़ा आपको इशू करती है। जो पहला वीज़ा होता है वो सीजनल वीज़ा होता है, जो दूसरा वीज़ा होता है नॉन सीजनल वीज़ा होता है, ठीक है। तो जो सीजनल वर्क वीज़ा होता है उसके अंदर जो है आप लोग लगभग 9 मंथ्स तक काम कर सकते हो, और इस वीज़ा के अंदर आप लोग एज ए फार्म वर्कर, डेयरी फार्मर, और एज ए फ्रूट पिकर या एज ए एग्रीकल्चर वर्कर जाकर वहाँ पर काम कर सकते हो। इन जॉब्स में भी आप लोग लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये मंथली आराम से कमा सकते हो, बट आप जो है काम सिर्फ 9 मंथ तक कर सकते हो। तो पहला हमारा वीज़ा जो है ये हो गया सीजनल वीज़ा, और उसके बाद जो हमारा सेकंड वीज़ा है उसका नाम है नॉन सीजनल वीज़ा, जिसे हम नूला सुटाई बोलते हैं इटालियन लैंग्वेज में, और जिसको हम नेशनल डी वीज़ा ही बोल सकते हैं। तो ये जो वीज़ा होता है हमें 2 साल का मिलता है, यानी हम इटली में जाकर 2 साल तक काम कर सकते हैं। और ये जो डी वीज़ा होता है ये उन लोगों को मिलता है जो स्किल कैटेगरी या फिर सेमी स्किल कैटेगरी में आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी लाइन में वर्कर्स हो गए, यानी जैसे ये शेफ हो गए, कुक हो गए, और वेटर हो गए, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन वेल्डर, इस तरह के लोगों को जो है ये वीज़ा मिलता है। डी 2 वीज़ा होते हैं जिसके अंदर आप लोग इटली जाकर काम कर सकते हो, और इन दोनों वीज़ा को लेने के लिए ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं थी, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और इटली जाने के लिए दोस्तों आपको जो है ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट भी शो नहीं करना होता है, और ना ही आपको आईलेट्स करने की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि 14 तारीख को जब आप लोग इस वीज़ा को अप्लाई करोगे जो इटली की गवर्नमेंट शुरू कर रही है लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए, तो किस तरह से आप अप्लाई करोगे, किस वेबसाइट पर जाना होगा, पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, और जो है कितना आपका टोटल खर्चा आएगा, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रॉपर दूंगा। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो आपको देखना है, सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिया से या नेपाल या पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से आप लोग इटली कैसे जा सकते हैं, पूरा प्रोसीजर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, वर्क वीज़ा मिलने तक का और जॉब मिलने तक का, ठीक है, सारा समझा दूँगा आपको अच्छे से। तो चलिए फटाफट मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, देखिए मैं नव भारत टाइम्स न्यूज़ अखबार के एक आर्टिकल पर आ चुका हूं, और यहां पर देखिए इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि इटली से भारतीयों के लिए खुशखबरी है, लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलने का मौका है, ठीक है। और इस आर्टिकल का जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंशन कर दूँगा, आप यहाँ पर आकर इस सारी न्यूज़ को जो है पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को दोस्तों पता है कि ये जो न्यूज़ अखबार है कोई फेक नहीं है, इंडिया का काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ अखबार। पर दोस्तों इन दोनों वीज़ा को अगर आप लोग ने चाहते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बार बार बताता हूँ वही डॉक्यूमेंट आपको लेना होगा, यानी आपको जॉब ढूंढनी होगी, यानी और जॉब ढूंढने के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अब आपको 2 वेबसाइट बताने वाला हूँ, 2 तरीके बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको जॉब ढूंढनी है इटली में, ठीक है। और ये जो जॉब है आपको 14 मार्च से पहले पहले ढूंढनी है, यानी आपके पास में 10 से 12 दिन है, तो फटाफट एप्लीकेशन करना जॉब्स के लिए। और इटली में जॉब अप्लाई करने के लिए दोस्तों वही प्रोसेस है कि CV कवर लेटर आपको क्या
बनवाना है यूरोपास का, यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी कवर लेटर बनवाना है। और अगर आपसे जॉब एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा तो जॉब अप्लाई करवा सकते हैं आप, मुझसे करवा सकते हैं, काफ़ी कम चार्ज में बन जाएगा। और जिस भी जॉब के लिए आप एप्लीकेशन करेंगे इटली में, चाहे कारपेंटर के लिए कर लीजिए, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फूड पैकेजिंग और ये वेयरहाउस वर्कर, ड्राइवर, ठीक है, किसी भी जॉब के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब अवेलेबल है। बट जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का बनवा लेना, अगर नहीं होगा तब एप्लीकेशन करना, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस रहेगा तो चांसेस ज़्यादा होते हैं जॉब मिलने के, ठीक है। तो CV कवर लेटर या वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है तो मुझे WhatsApp पर आप SMS कर सकते हैं, या आप मुझे Instagram पर आकर मेरे Instagram पर भी मैसेज कर सकते हैं, काफ़ी कम चार्ज में आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे। चलिए अभी मैं आपको 2 वेबसाइट बताने वाला हूँ जिन वेबसाइट पर आपको जॉब ढूंढनी है इटली के लिए, ठीक है, तभी आपको ये जो मैंने वर्क वीज़ा बताए हैं इटली के मिल सकते हैं, फ्री में मिल सकते हैं, कोई पैसा आपको नहीं दे रहा होगा। और 14 तारीख जो है एप्लीकेशन की डेट है, 14 तारीख से एप्लीकेशन होना। तो दोस्तों इटली का जो सीजनल वर्क वीज़ा होता है उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट पर आ जाना। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आप इटली के सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में ले सकते हैं। तो दोस्तों इटली का जो सीजनल वर्क वीज़ा होता है उसके बारे में मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में भी थोड़ा सा बताया कि इटली का जो सीजनल वर्क वीज़ा होता है उसमें जो है आप लगभग 9 मंथ्स तक जाकर काम कर सकते हो, बट आपको जो जॉब मिलेगी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेगी, ठीक है, जैसे फार्म वर्कर, डेयरी फार्मर, फ्रूट पिकर, फूड पैकेजिंग, इस तरह की जॉब्स मिलती है। बट इस वर्क वीज़ा को लेने के लिए आपको कोई भी एजुकेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है तब भी आप इस वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी एज 55 साल भी है तब भी आप इस वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं होती है और कोई इंग्लिश टेस्ट आपको नहीं देना होता, ठीक है। इस वर्क वीज़ा के लिए आप अप्लाई करके इटली जा सकते हो, 9 महीने तक काम कर सकते हो और लगभग हर महीना 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये कमा सकते हो। तो इस वेबसाइट पर आ जाना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको और इस वीज़ा के बारे में मिल जाएगी, किस तरह से ये वर्क वीज़ा मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जिन लोगों को इटली जाकर फार्म वर्कर या फ्रूट पिकर या फूड पैकेजिंग या डेयरी फार्मर का काम करना है इस वेबसाइट पर आ जाना, और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंशन करूँगा। तो सीजनल वर्क वीज़ा अगर आपको इटली का चाहिए इस वेबसाइट पर आओ और आकर जॉब एप्लीकेशन करो। इस वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज मिल जाएगी एग्रीकल्चर फिर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अभी लगभग 15 जॉब वैकेंसी निकली हुई है, जो सभी जॉब जो है फार्मिंग में निकली हुई है, फ्रूट पिकर और ये फार्म वर्कर, इसी तरह की जॉब निकली हुई है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर आना है, जॉब के लिए एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर मैं आपको जॉब्स दिखा देता हूँ जो फार्मिंग की निकली हुई है, तो आप जो है एप्लीकेशन कर लेना, काफ़ी इजीली आप एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लास्ट में आपको ये सभी जॉब वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, डायरेक्ट्री ऑफ फार्म्स ऑर्किड्स ETC, द इंफॉर्मेशन बिलो इज सिंपली ए लिस्ट ऑफ फार्म्स और ऑर्किड्स इन इटली बीइंग लिस्टेड डज नॉट इंप्लाई दैट they are currently hiring workers, you should contact them to inquire about employment opportunity। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि ये कुछ कंपनीज के नाम हैं और ये कंपनीज जो है वर्कर्स को हायर करती हैं, बट यहाँ पर ये कन्फर्म नहीं है कि ये हायर कर रही हैं अभी या नहीं कर रही है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर कंपनी की जो है ईमेल आईडी, ठीक है, अभी जैसे पहली हमारी कंपनी है इसकी जो ईमेल आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, info@agritourismbuenomore.com। इस ईमेल आईडी पर क्या करना है आपको, CV कवर लेटर सेंड करो, अपना वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सेंड करो, और इनसे जो है एक अच्छे से रिक्वेस्ट करो जॉब के रिगार्डिंग के, हाँ ऐसे ऐसे मैं ये काम करता हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, क्या आप मुझे जॉब प्रोवाइड कर सकते हो और मैं एज ए सीजनल वर्कर इटली में आकर काम करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड वाली ईमेल आईडी पर भी आपको इसी तरह से रिक्वेस्ट करनी है, थर्ड नंबर की ईमेल आईडी पर भी, फोर्थ नंबर की ईमेल आईडी पर भी, ठीक है। और अगर आपको ये कंपनी सिलेक्ट कर लिए थे तो आपको जो इटली का सीजनल वर्क वीज़ा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों इटली का डी वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो देखो आपको क्या करना है, आपको आना है इस वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंशन करूँगा। ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, वेबसाइट की मदद से काफ़ी लोगों को जॉब्स मिल चुकी हैं इटली में। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज दोस्तों निकली हुई है, और इस वेबसाइट पर आकर आपको जॉब्स के लिए एप्लीकेशन करना है, क्योंकि
आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा तो तब आप इटली के डी वीज़ा एंड इंडुला सुटा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए रिसेप्शनिस्ट के लिए जॉब निकली हुई है, सेल्स कंसल्टेंट अकाउंटिंग में जॉब निकली हुई है, टीचर्स के लिए जॉब निकली हुई है, अकाउंट मैनेजर के लिए जॉब निकली हुई है, और इसके बाद में देखिए काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज निकली हुई है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में। सेल्स फील्ड में यहाँ पर जॉब निकली हुई है, जूनियर कंसल्टेंट के लिए जॉब निकली हुई है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए पेस्ट्री शेफ के लिए भी जॉब निकली हुई है, ठीक है, टैक्सी एडवाइज़र के लिए जॉब निकली हुई है, नर्सेस के लिए जॉब निकली हुई है। और इस वेबसाइट पर दोस्तों देखो मैंने अभी चेक किया था तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी जॉब निकली हुई है। तो यहाँ पर देखो सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी जॉब निकली हुई है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह से अलग अलग जॉब यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है, सीएनसी मशीन ऑपरेटर के लिए भी जॉब निकली हुई है, असेंबली ऑपरेटर के लिए भी, क्लीनर के लिए देखिए यहाँ पर जॉब निकली है। तो भाई अगर क्लीनर का काम करना चाहते हो इटली जाकर तो एप्लीकेशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जॉब वैकेंसी निकली हुई है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर आकर देखने के लिए मिल जाएगी। एप्लीकेशन वगैरह आप यहीं पर कर सकते हो, इसी वेबसाइट पर आकर आप एप्लीकेशन भी कर सकते हो जॉब के। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा तरीका है, जो दूसरी वेबसाइट है, वो कोई वेबसाइट नहीं है, एक्चुअली एक तरीका है जॉब फाइंड करने का। क्या तरीका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए अगर कोई भाई बंदा इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, समझ लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो उसे इलेक्ट्रीशियन का काम करना है इटली जाकर। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जॉब मिलना आपको ज़रूरी है, तो उसको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर गूगल पर आना है, गूगल पर आकर क्या करना है, ये सर्च करना इलेक्ट्रीशियन कंपनीज इन इटली, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन कंपनीज इन इटली आप सर्च कर लीजिए। मैं सर्च कर लेता हूँ फिर बताता हूँ करना क्या होगा। इटली, और ये मैंने सर्च किया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जितनी भी इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाली हुई बड़ी बड़ी कंपनीज होगी इटली में, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। देखिए सभी कंपनी जो है इलेक्ट्रीशियन की सर्विस प्रोवाइड कराती है इटली के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी कंपनीज है, कितनी कंपनीज है। अब करना क्या है, ये सभी के लिए बता रहा हूँ मैं, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे फूड पैकेजिंग का काम करने वाला हो, या एज ए ड्राइवर हो, ठीक है, उनको सेम ही तरीके से सर्च करना है जैसे इलेक्ट्रीशियन का मैंने सर्च किया। तो अगर किसी को फूड पैकेजिंग के काम करना है तो सर्च कर लेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इटली। किसी को ड्राइवर का काम करना है तो सर्च कर लीजिएगा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी इन इटली। किसी को वेल्डर का काम करना है तो सर्च कर लेगा वेल्डिंग कंपनीज इन इटली, ठीक है, इसी तरह से। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो ये इलेक्ट्रीशियन की सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो आप जो है इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। लगभग 35 साल पुरानी कंपनी है, डायरेक्ट वेबसाइट पर जाओ, वेबसाइट पर जाकर क्या करना है आपको, जॉब के लिए एप्लीकेशन कर देना है। जैसे यहाँ पर वर्क विद अस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो इन्होंने जो हायरिंग मैनेजर है उनकी ईमेल आईडी मेंशन की, इस ईमेल आईडी पर आप सीवी कवर लेटर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सेंड करो। आपका सिलेक्ट कर लेते हैं वो सीवी, तो आपको ईमेल करेंगे कि हमने आपका सीवी सिलेक्ट कर लिया है, हम आपको जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, और फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डी वीज़ा। और यहाँ पर देखिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो उनसे पर्सनली मैसेज करके। तो ये तरीका है जॉब फाइंड करने का। अब आपको बताता हूँ कि जो इटली गवर्नमेंट है जो 1.5 लाख वीज़ा इशू कर रही है और 14 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई करोगे, किस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी अगर भाई किसी भी बंदे को कोई भी क्वेश्चन करना है तो मुझे व्हाट्सएप पर कर सकता है, या फिर आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे ऐसे। दोस्तों मैं जो हूँ देखिए अभी इटालियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ, और इसी ही वेबसाइट पर आकर आपको 14 मार्च को एप्लीकेशन कर रहा हूँ अपना वर्क वीज़ा। बट उससे पहले आपको जॉब फाइंड करनी है, जॉब आप ढूंढ लेंगे तभी आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, देखिए अगर किसी बंदे के पास भी PCC नहीं है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो बनवा लो, क्योंकि शायद वो भी लगता है जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करोगे। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया, वर्किंग वीज़ा, नॉन यूरोपियन सिटीजन विलिंग टू वर्क इन इटली मस्ट अप्लाई फॉर ए वर्क वीज़ा, एंड वंस इन इटली कन्वर्ट द वीज़ा इन रेसिडेंस परमिट फॉर वर्क पर्पस, प्लीज़ डाउनलोड हियर द नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी इन्होंने बता दी है
कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, और अगर आप सीजनल वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डी वीज़ा के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, लॉन्ग स्टे वीज़ा के लिए यानी डी वीज़ा के लिए तो कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल जाएगी।